हुण कनेडा जाणगे पंजाब दे ये दो कुत्ते। इन्हां कुत्तियां दे लई बिजनेस क्लास की टिकट हुई बुक। अमृतसर दीआं सड़कां ते रहण वाले ते घूमण वाले दो पंजाब दे कुत्ते हुण कनेडा जाणगे। दस दे कि अमृतसर दे विच डॉक्टर नवनीत कौर जो कि वैलफेयर एंड केयर सुसायटी चलाउंदे ने ते उहनां दे वल्लों ये दो कुत्तियां नूं कनेडा लैके जाया जाएगा। तो इन्हां कुत्तियां दा नाम लेली ते डेजी है। तो हुण डॉक्टर नवनीत कौर दे वल्लों इन्हां कुत्तियां नूं कनेडा लैके जाया जाएगा। मीडिया नाल गलबात करते हुए जो डॉक्टर नवनीत कौर नूं पुछया कि इन्हां कुत्तियां नूं तुसीं कनेडा क्यों लैके चलिओ तो उन्होंने मूहरों की जवाब दिता, आओ थानू सुनाते हैं। मैं डॉक्टर नवनीत हूँ कैनेडा से। ये मेरे हस्बैंड हैं। हम एक संस्था चलाते हैं अमृतसर में, AWCS 24/7 वो डॉग्स के लिए, स्ट्रे डॉग्स के लिए ट्रीटमेंट करती है। तो ये दोनों बच्चे हैं, इसका नाम डेजी है, ये लिली है, ये ऑर्फन थी और ये हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए आए थे। लेकिन मैंने दो बच्चे इंडियन डॉग्स बाहर अडॉप्ट किए हुए हैं। तो लोगों ने मुझसे पूछा ये कौन सी ब्रीड है, बहुत अच्छी ब्रीड है। तो फिर उन्होंने मुझसे बोला कि हमें भी ला के दो ऐसे डॉग्स। तो अब ये डेजी और लिली की उनको पिक्चर दिखाई, तो ये ब्रेंडा है कनाडा में, उनके पास ये दोनों जा रहे हैं अडॉप्ट। क्या प्रोसीजर है, कैसे जा रहे हैं, कैसे? इनका प्रॉपर वैक्सीनेशन रिकॉर्ड अप टू डेट होना चाहिए, इनको रेबीज और 7-in-1 के शॉट्स प्रॉपर होने चाहिए, इनके डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर होना चाहिए। फिर इनके जो है एक कंपनी है पेट फ्लाई, वो उनके पासपोर्ट ही आप बोल लो वो बनता है उनका, और इनके टिकट्स लगती हैं, थोड़े बहुत खर्चा होता है इनको ले जाने का, वो सारे पेपर्स पूरे होने चाहिए और फिर ये जा सकते हैं। लोग बाहर के डॉग्स मनाते हैं, जर्मन सागर हो गया, फुटबॉल हो गया, आप इंडियन डॉग्स वहाँ लेके जा रहे हो, क्या लोग? हम यही अपील करेंगे कि जो यहाँ के डॉग्स हैं वो बहुत वफादार, बहुत सुंदर, बहुत लॉयल होते हैं। बाहर जाके इनको भी आप इम्पोर्टेड ही बोलोगे, इनकी नस्ल बाहर जाके इंडियन इम्पोर्टेड ब्रीड बन जाती है। तो यही अपील है कि प्लीज़ आप यहाँ के डॉग्स अडॉप्ट करें, इंडियन डॉग्स को अडॉप्ट करें और बाहर के डॉग्स को ना अडॉप्ट करें, यही हमारी अपील है। एक तरफ आप डॉग प्रेमी हो, लोग उनसे काफ़ी होते हैं, डॉग बाइट हो जाते हैं, क्या कहना चाहते हैं इसको लेकर? देखो हमें तो कभी किसी ने डॉग ने बाइट नहीं किया, ठीक है। अगर आप किसी डॉग के पीछे भागोगे, पत्थर लेके उसको खाना नहीं दोगे, उसको हर बार शू करोगे, उसको चिढ़ाओगे, या भूखा रहेगा वो डॉग। और दूसरी चीज़, पॉपुलेशन इतनी बड़ी है, लोग खाना नहीं डालते, जगह जगह आपने देखा होगा लिखा है पार्क में कुत्ते नहीं आएंगे अंदर, कुत्तों को खाना डालना मना है। आप एक इंसान को भी 10 दिन भूखा रखोगे वो भी अग्रेसिव हो जाएगा। तो ये तो ऐसे सबसे पहले पोस्टर हटने चाहिए कि कुत्ता यहाँ नहीं बैठेगा, कुत्ता यहाँ नहीं खाएगा। अगर आप किसी को खाना खिलाओगे तो वो क्यों अग्रेसिव होगा, आप खुद सोचिए बात। तो डॉग बाइट्स का कारण हमें ढूंढना है ना। एक तो ABC प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करिए और जो आपके आसपास डॉग्स हैं उनके प्रति आप संवेदनशील रहिए, तो डॉग बाइट्स नहीं होंगी। लिली और डेजी, लिली और डेजी, राजन के सारे यही हैं। रोहित सोने का नाम ना, नाम पहले दिन तो हर तरह का नशा बंद, नशा छुड़ाने च माहिर डॉक्टर गुप्ता 6961-77000, बिना तोड़ तकलीफ तो बिना दाखिल होए, बिना काम छड़े हर तरह का नशा छड़ो, शराब, हेरोइन, स्मैक, अफीम, गांजा, चिट्टा, भुक्की, टीके, गोलियां, जीभ थले रखने वाली गोली तो छुटकारा पाओ। साड़ी दवाई 100% आयुर्वैदिक है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। देश विदेश च दवाई भेजण दा खास प्रबंध है। पता आनंद दवाखाना, सामने बस स्टैंड पटियाला। डॉक्टर गुप्ता 6961-77000।